हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। में फ्रॉड किया था तो रुबीना खान इतनी अनपढ़ नहीं है, वो मेरे से एवज में पेपर लिखा के लेती हुआ है। ढाई ढाई लाख रुपए हम तीन दिन से लिया गया है और उसके एवज में हमने कर दिया हुआ। इसने बुकिंग के नाम पे हमसे 7.5 लाख रुपया लिया था। मैं पैसा ले रही हूँ तो रूम तुम्हारा रूम रखूंगी। कल ये लोग 10-15 घूंडे लाए थे और हमको धमकी दे रही है कि मैं कुछ भी कर दूंगी, कर सकती हूँ, बोले तुम लोग को तो देखती हूँ सुबह में। उसको सिर्फ एक हेल्प के तौर पे वो रूम दिया था कि तेरे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, तू इधर रहे। बाहर से ताला मारा है, पूरी फैमिली अंदर है। 10 साल हम लोग किराए पर रहते थे, मेरे को मेंटली टॉर्चर किए। 10 साल हो गए, आप क्या कर रहे थे? 32 लाख 80 हजार का हिसाब करो, 7.5 लाख की बात आ रही ना। 10 साल इस घर का भाड़ा रुबीना ने ही खाई। उसने रिटर्न कुछ नहीं किया, जब उससे पूछा गया तो ये जगह दे दिया हाथ में। और हम लोगों के इस घर पे इसका कोई हक नहीं है, ये हमारा घर है और उसका घर मैंने बना के दे चुका। ये ताला कौन खुलवाएगा अगर मेरी माँ को कुछ हो गया? 7.5 लाख अगर वो मुझे अभी दे देते ऑन द स्पॉट तो मैं रूम का ताबा उनको दे दूँ। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ताला मारकर घर में पूरे परिवार को बंद कर दिया गया है। इस पूरे मामले में ताला लगाने वाली महिला रुबीना खान और घर में बंद परिवार और बिल्डर जावेद से हमने बातचीत की है। तीनों तरफ से अलग अलग दलीलें तीनों लोगों ने दिए हैं। इस खबर में हम आपको तीनों लोगों की बात सुनाएंगे। आपको बता दें कि मुमरा के सोनाजी नगर मानव एकता सोसाइटी में रूम के विवाद में रुबीना खान ने शौकत और उनके पूरे फैमिली को रूम में ताला मारकर बंद कर दिया है। शौकत का पूरा परिवार रूम में बंद है। परिवार के एक सदस्य की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। मौके पर पुलिस को भी सूचना दी गई और दरअसल ये पूरा मामला 2008 और 9 के दरमियान का है। शौकत के दामाद जावेद ने एक रजा कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की थी, जिसमें रुबीना खान, रेशमा खान और अब्दुल वाहिद मेमन, इन तीनों लोगों ने बताया कि करीब 7.5 लाख रुपए जावेद को रूम बुक करने के लिए दिए थे, मगर जावेद का बिल्डिंग का काम रुक गया। रुबीना ने बताया कि पैसे के बदले में जावेद ने अपने ससुर शौकत का घर उनके ताबे में दिया कि जब वो 7.5 लाख रुपया वापस देगा तो घर वापस लौटा देंगे, मगर बिल्डर जावेद और उनके ससुर शौकत का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बिल्डर जावेद ने बताया कि रुबीना के घर का काम के दौरान अपने ससुर का घर रुबीना को सिर्फ रहने के लिए दिया था और कल रात में शौकत का पूरा परिवार रूम में घुस गया और शौकत ने बताया कि घर उनका है, पूरा डॉक्यूमेंट्स घर के उनके पास मौजूद हैं, मगर रुबीना ने घर में उनके घुसते ही बाहर से ताला लगा दिया। मगर वहीं रुबीना खान का भी कहना है कि मेरे 7.5 लाख रुपये दो और रूम ले लो, मगर वहीं शौकत का भी ये कहना है कि रुबीना और उनके दामाद जावेद में क्या हुआ वो नहीं जानते हैं, ये हमारा रूम है। वहीं रुबीना का कहना है कि 8-9 साल से ये लोग सामने नहीं आए, अब क्यों सामने आए और अचानक आकर घर में घुस गए, जिसके बाद उसने घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया और शौकत का पूरा परिवार इसमें बंद हो गया। शौकत का पूरा परिवार बंद दरवाजे में कैद है और रुबीना ने क्या कुछ इस मामले में कहा है सुनिए। आपका क्या मामला है, ये पूरा रूम का मैटर क्या चल रहा है जो अभी आपने ताला लगाया अपने रूम में, ये दरअसल पूरा मामला है क्या? मेरा नाम रुबीना खान है और ये जावेद बिल्डर है, जिसने आज से 11 साल पहले 2009 में फ्रॉड किया था। इसने बुकिंग के नाम पे हमसे 7.5 लाख रुपया लिया था और 2.5 लाख वहीद मेमन, 2.5 लाख रेशमा खान, रेशमा सैयद, और 2.5 लाख रुबीना खान, हम तीनों से 7.5 लाख रुपया लिया था, जिसके एवज में मतलब इसने हमको एक ताबा दिया था। उसके ससुर का रूम था मानव एकता चाल में, मानव एकता चाल सी विंग सी टू में बिल्डिंग बनाने के लिए बुकिंग के लिए बुकिंग का पैसा ले चुका था।
अब बुकिंग जब ये बिल्डिंग बना नहीं पाया तो उसने इसके एवज में हमको उसके ससुरे का रूम ताबे में दिया था, आज से 10 साल 2009 में दिया था। तो अब वो 2009 से मेरे हाथ में ही ताबा था उसका रूम का। अब कल रात कल शाम उसके ससुरे ने पूरा फैमिली उन लोगों के घर के अंदर घुस गई रूम के अंदर, और जावेद ने एक रुपया हम लोगों को दिया नहीं, मुझे सिर्फ मुझे उस रूम का ताबा चाहिए। और तो ये जावेद जो है उनका दामाद है, दामाद है। आप कह रहे हैं 2009 में लिया था। हाँ। तो फिर इतने साल ये लोग कहाँ पर थे? हाँ, इतने साल इन लोगों ने मुझसे कुछ वो नहीं किया, कभी आए थे ऐसा विरोध किए थे रूम हमारा है तो क्यों लिए? नहीं नहीं ऐसा बोले नहीं है। एक बार सिर्फ चौकी में आए थे, चौकी में भी मतलब कुछ ऐसा वो हुआ नहीं, बोले मैंने कहा मेरा पैसा दे दो, और मैं मतलब मेरा पैसा दे दो, हाँ ताबा ले लो अपना, रूम का ताबा मैं दे दूंगी। तो ना पैसे आए, आपने जो है रूम में ताला मार दिया है, वो लोग अंदर बंद हैं। कल ये लोग 10-15 गुंडे लाए थे और रूम मतलब कलर वाला कलर कर रहा था, पेंट कर रहा था, और ये लोग सीधा अंदर घुस गए, अंदर घुस गए, बाहर सब गुंडे लोग बैठे हुए थे। मैंने कुछ भी नहीं बोला इन लोगों को, अभी सुबह में मैंने इसको ताला मार दिया, बाहर से ताला मारा है, पूरी फैमिली अंदर है। तो आपकी मांग क्या है कि जावेद ने से जो 7.5 लाख रुपए लिया है वो आपको वापस चाहिए? हाँ, 7.5 लाख अगर वो मुझे अभी दे देते ऑन द स्पॉट तो मैं रूम का ताबा उनको दे दूंगी। आप दे देंगे? हाँ। इसके अलावा आपका कोई ऐसा विवाद नहीं? नहीं, नहीं कोई विवाद नहीं है। अगर 7.5 जो उसने रकम लिया है हमसे, हम तीन जन से, तो वो रकम अगर वो। क्या नाम है आपका? और ये जो रूम का पूरा मामला है, जैसा कि अभी जो है रुबीना खान ने भी जो जानकारी दी है, आपने भी पैसा उसमें 2.5 लाख रुपया दिए हैं, तो दरअसल क्या जावेद से ये इस बात की डील हुई थी कि इसको जो है लेकर पैसा फिर रूम हैंडओवर कर दिया जाएगा उनको? हम, मेरा नाम अब्दुल वहीद मेमन है, और हम तीन जन के 2.5-2.5 लाख के हिसाब से 7.5 लाख रुपये उनके पास है, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुमको वापस रिटर्न कर दूंगा, तब तक का तुम ये जगह अपने पास रखो, और जब मैं दे दूंगा तब रिटर्न कर देना। आज 10 साल हो गए हम उस चीज़ को सिर्फ अपना 7.5 लाख ही रिटर्न मांग रहे हैं, नो इंटरेस्ट कुछ भी ऊपर से हम नहीं मांग रहे। अच्छा, उनका जो घर में बंद है उन लोगों का ये भी कहना है कि ऐसी कुछ जानकारी उनके पास नहीं थी कि ये रूम जो है पैसे के एवज में दिया गया है, ऐसी जानकारी नहीं। मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी है आपने दामाद जो जावेद है उनसे पूछिए, 10 साल हो गए आप क्या कर रहे थे, आज क्यों पूछ रहे हो, और अचानक से ऐसा घुस जाना गलत है। ये आप अपने दामाद से बात करिए जो जिसका नाम जावेद है, उसे पूछिए कि भाई 10 साल पहले हम तुम्हारे को घर दिए थे, तुमने तुम्हारे घर पे वो कोई और रह रहा है, क्यों रह रहा है? उनका कहना ये भी है जो घर में है जावेद के साथ ससुर का, कि जो मामला है बुकिंग का वो किसी दूसरी बिल्डिंग का मामला है, तो इस रूम के एवज में ऐसा कभी दिया ही नहीं गया। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है जो वो डॉक्यूमेंट्स पे क्लियरली लिखा हुआ है 2.5-2.5 लाख रुपये हम तीन जन से लिया गया है, और उसके एवज में हमें घर दिया हुआ है जो बुकिंग हुई थी उसके मामले। हाँ, बुकिंग करवाया था लेकिन वो तो बिल्डिंग कुछ बनाया नहीं। हाँ, कौन सी बिल्डिंग बन रही थी? बनाए नहीं, इधर बाजू में कहीं पे थी लेकिन वो बनाए नहीं बिल्डिंग, और उसके एवज में हमसे पैसे लिए बुकिंग के 2.5-2.5 लाख रुपये, लेकिन उसने रिटर्न कुछ नहीं किया। जब उससे पूछा गया तो ये जगह दे दिया हाथ में, और बोले कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं आप लोगों को ये जगह ले लूँगा और पैसे दे दूँगा। ठीक। वहीं शौकत का पूरा परिवार घर में लॉक है, जिसमें एक महिला की तबीयत भी ठीक नहीं है। जावेद और रुबीना के बीच में क्या है, इससे इनकार करते हुए शौकत और उनके परिवार के लोगों ने बंद कमरे में से क्या कुछ कहा है, और बिल्डर जावेद ने भी रुबीना के लगाए इल्जामों को गलत बताया है, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत अली, सैयद शौकत अली मोहम्मद मतीन, और ये मकान का मालिक मैं हूँ। ये 2010 में मैंने कंस्ट्रक्शन वालों को दिया था। किसको दिए थे? जावेद को दिया था। तो जावेद आपके कुछ लगते हैं? दामाद लगते हैं। तो रूम का मामला दरअसल है क्या? उनको दिया था मैंने ये मकान, तो ये कंस्ट्रक्शन में वो कुछ मटेरियल वगैरह रखने के लिए लिए थे, और मुझसे कहे थे कि ये मकान जब हमारा काम हो जाएगा तो मैं ये लोड बेयरिंग डबल बना के दे दूँगा आपको। अच्छा, कितने साल हुए है? ये 10 साल हो गया। अच्छा। और जब से मैं भी फिर देख रहा था कि रास्ता कि ये लोग कब फाइनल करेंगे, भाड़ा भी देना बंद कर दिए थे, सब बंद कर दिए थे। आपको भाड़ा मिल रहा था इसका? नहीं मिल रहा था अभी तो, बिल्कुल पहले मिलता था? पहले 2 साल मिला बस। कौन दे रहा था भाड़ा? जावेद दे रहे थे। जावेद, लेकिन आपको ये जावेद ने जो है इसको जो है ताबे में दिया था, इसके एवज में 7.5 लाख रुपया लिया था।
जावेद के दावे में दिया जो था। रुबीना खान है उनसे जो है 7.5 लाख रुपया लेकर ये रूम जो उनके दावे में दिया। पता नहीं है, वो मेरे सामने कोई बात नहीं और मुझे कोई पता नहीं है। तो फिर आप लोग 10 साल का मसला मुझे नहीं मानते। आप लोग 10 साल कहाँ पर थे, क्यों नहीं? 10 साल हम लोग किराए पर रहते थे, ये लोग बोलते थे कि अभी हो जाएगा मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन के लिए ये रूम रुबीना ने उस जिस वक्त ये रूम लिया गया उस वक्त रुबीना भी सामने मौजूद थी। जब हमने ये घर खाली किए तो रुबीना भी मौजूद थी। उस वक्त ये बोलकर नहीं लिया गया था रूम कि अगर जैसे मतलब मैं तुमको 7 लाख दे रही हूँ जावेद को, अगर इसने नहीं दिया तो मैं हम लोग अपना घर देंगे, उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी। उस वक्त रुबीना ने इस घर को उसके सामने ये घर खाली किया गया, सिर्फ इस घर को रस्ते के लिए लिया गया था और बोला गया था 1+1 जो है बना कर देंगे। कुछ साल दो साल इन लोगों ने भाड़ा दिया, उसके बाद इन लोगों ने नहीं दिया। और ऐसा कोई कमेंटमेंट हमारे सामने नहीं हुआ था कि अगर मैं पैसा ले रही हूँ तो रूम तुम्हारा रूम रखूंगी इस बदले में, ऐसा कोई कमेंटमेंट नहीं। भाड़ा तो जावेद ही दे रहे थे ना आपको? जी, तो जावेद ने इन्हें दे दिया था रूम। जावेद ने इन्हें दिया था, इसका जो मकान था वो उसको बनाना था तो उसमें का सामान इसमें रख दिया। इन लोगों के बीच में इनका कहना है, रुबीना खान का कहना है कि जावेद जो है एक बुकिंग के एवज में कि बुकिंग जो इन्होंने की थी वो उनको मिला नहीं, जिसके बाद जावेद खान ने इनसे 7.5 लाख रुपए लिए थे, उसके एवज में ये रूम को इन्हें सौंप दिया था कि जब हम आपको 7.5 लाख रुपया वापस करेंगे फिर ये रूम हमें दे देना। सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। रुबीना ने बुकिंग के लिए पैसा उस बिल्डिंग के लिए दी थी, इस घर के लिए नहीं दी थी। और प्लस ये है कि जावेद ने सिर्फ प्लिंथ रेडी किया, रुबीना ने पूरी बिल्डिंग रेडी करी। जब उसने पूरी बिल्डिंग रेडी करी तो अब इसका 7.5 लाख कैसा? 10 साल इस घर का भाड़ा रुबीना ने ही खाई, हमने नहीं खाई। हम इस घर में 1 रुपए के भी हकदार नहीं है। और प्लस लेकिन उनका तो कहना है कि 7.5 लाख रुपए दो, मैं आज ही जो है रूम दे देती हूँ। उनका कहना है तो बिल्डिंग तो हमने नहीं बनाया, बिल्डिंग में हम भी हकदार नहीं है। हाँ, बिल्डिंग तो रुबीना खान ने बनवाई, रुबीना खान के अंडर में बिल्डिंग है। दूसरी बिल्डिंग कौन सी है जिसमें बुकिंग केस? दूसरी नहीं है, वो एक इधर पीछे बिल्डिंग है, रजा गार्डन। और जावेद ने सिर्फ प्लिंथ और प्लिंथ लगाया था, रेडी किए थे, उसके बाद से जो भी है दूसरे बिल्डर ने बनाया था। नहीं, दूसरे बिल्डर ने, रुबीना ने टेक ओवर करा उस बिल्डिंग को। और आज तक वो बिल्डिंग रुबीना के हाथ में, रुबीना ने पूरी बिल्डिंग को बनाई, जिसको चाह टेनेंट लोग को दिया, जिसको चाह नहीं दिया। उसमें भी आज बहुत से रूम रेंट पे रखी है, किसी को मेंटेन पे रखी है। तो अब उसका कैसा पैसा? और हम लोगों के इस घर पे इसका कोई हक नहीं है, ये हमारा घर है, ये मेरे डैडी के नाम पे पेपर है, टैक्स भी हमारे नाम पर आता है, सब कुछ हमारे नाम पर है। और इसका इस घर से इसने, तो जब सब कुछ आप सुनिए ना, बात सुनिए, जब सब कुछ आपके नाम था तो आप लोगों को 10 साल इंतजार नहीं, 10 साल फौरन आ गए होते अपने घर में? नहीं नहीं, फौरन कैसे आते, कैसे हो गया? 2 साल इन लोगों ने भाड़ा दिए, इसके बाद में इन लोगों का टाल मटन, हम लोगों ने 2 बार बात की, ये इसने 2 बार हम लोगों से टाइम ली कि मतलब मैं आपको दूंगी आज नहीं कल, ऐसे करते करते हम लोग ने, फिर जब हम लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं है तो हम लोग इससे क्यों बात करेंगे? हाँ, तो इसने 2 बार टाइम ली कि हाँ मैं देती हूँ, खाली करके देती हूँ, उसके बाद इसने कुछ ये नहीं किया। अब हम लोग भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी पैसा लग रहा है, मुँह खोल खोल के बड़े बड़े आ रहे हैं, हम लोग भी कहाँ से पैसा लाएंगे? 6-7 हज़ार रुपये हम लोग घर का किराया भरते खुद। लॉकडाउन में काम धंधा बंद है, टेम्पो चलाते हैं, कहाँ से करेंगे, कहाँ से भाड़ा भरेंगे? इसलिए हमने अभी हमारे पेपर आपके पास घर का पूरा है, हमारे पास पूरा है। कुछ कहीं कंप्लेंट वगैरह आप लोगों ने की? हाँ, कंप्लेंट वगैरह भी सब पहले किए थे लेकिन उस पर भी कुछ हुआ नहीं। उस पर इसने टाइम लेकर बोला कि मैं देती हूँ, वहाँ पर इसने सामने ये बोली कि मैं देती हूँ घर, थोड़ा रुको, 2 दिन का टाइम दो साहब, 3 दिन का टाइम दो, उसके बाद इसने कुछ भी नहीं किया। और इस घर से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता भी तो इसने, अगर इसने 7 लाख जावेद को दी तो ये आके हमको बोलती ना घर पे, हमको हमारे कान में बात डालती कि मैंने जावेद को 7 लाख दी हूँ, अगर तुम लोग उसने नहीं दिया तो मैं तुम्हारा रूम नहीं दूंगी। लेकिन उसने ऐसा कोई कमेंटमेंट नहीं करी और ऐसी कोई बात नहीं। अब जब हम लोग एंटर हुए हैं तब इसकी ये सारी बातें हो रही कि मेरे को 7.5 लाख दो। हम लोग कहाँ से देंगे 7.5 लाख रुपया? हम खुद ये सोच रहे
नहीं वो आपसे आपसे भी नहीं मांग रही पैसा, उनका कहना जावेद देंगे, उनका दोनों का मैटर है। हां जावेद का, हम लोग रात से एंटर हुए, सुनिए मेरी बात, सुबह में घर से ताला लगा दिए, मेरे घर में बच्चे भी है, देखो मेरी मां, इनको थायराइड का बीपी का प्रॉब्लम है, ये फट से ना यूं गिर जाते नीचे, कौन लेगी लेगा इनकी जिम्मेदारी। अभी इनकी तबीयत खराब हो रही थी, मैंने इसलिए आपके साथ जो खड़े उनको बुलाया था, तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये ताला कौन खुलवाएगा, ये ताला कौन खुलवाएगा, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये मुझे बताइए। कि और वो हम लोग को प्लस धमकी दिए, मेरे डैडी को रात में धमकी दिए कि मतलब मैं औरतें लड़के बुलवा के तुम लोग को घर से बाहर निकलवाऊंगी। वो तो बोले आप लोग बुलाए थे इधर गुंडे लोग को, किसको, हम लोग किसी गुंडे को नहीं बुलाए, सब हमारे रिश्तेदार मौजूद है, मेरे भाई लोग है, मेरे चाचा है, और एक कोई गुंडा नहीं है यहाँ पर बाहर का कोई आदमी, बल्कि खुद इसने दो आदमी लोग को सुबह में, इसने जब सुबह में 6 बजे ताला मार के गई, हमको कान को भी खबर नहीं, और दो आदमी लोग को, तीन आदमी लोग को लेकर आई, उसके बाद में एक औरत को लेकर आई, और यूँ एटीट्यूड में खड़े देखे हंस रही है, हाँ, और हमको धमकी दे रही है कि मैं कुछ भी कर दूंगी, कर सकती हूँ, बोले तुम लोग को तो देखती हूँ सुबह में, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी ले रहा है, पहले मुझे ये बताओ, और ये ताला कौन खुलवाएगा। रुबीना खान ने आपको 7.5 लाख रुपए रूम बुकिंग के लिए दिए थे, आप उनको बुकिंग नहीं दे पाए, जिसके वजह में आपने जो है उनको एक रूम दिया था जो आपके ससुर का रूम है, तब से वो ताबे में था। उनका कहना है कि आपने कहा था उनसे कि आप 7.5 लाख रुपया उनको लौटा देंगे, उसके बाद वो रूम आप ले लेंगे। ये उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, किसने, रुबीना महमूद खान ने, बराबर। अब मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया, अगर मैं कमिटमेंट करता तो रुबीना खान इतनी अनपढ़ नहीं है, वो मेरे से एवज में पेपर लिखा के लेती। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, दूसरा उसका एग्रीमेंट अभी तक किसी ने चेक नहीं किया, ना आपने किए ना पुलिस चौकी में किए, कि उसने 7.5 लाख रुपया उस पर अमाउंट है या नहीं, उस पर मेरी साइन है या नहीं, सिर्फ उसने मेरा फोटो भेजा एग्रीमेंट का, अमाउंट का पेपर नहीं भेजा, उसका पहले आप लोग सब चेक कर लो। और दूसरी बात कि मैंने है ना उसको सिर्फ एक हेल्प के तौर पे वो रूम दिया था कि तेरे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं तू इधर रहे, बाकी का है ना तेरा घर का काम मैं ना करा के देता हूँ, और रूम का काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करा के दे दिया, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है उसका। और बिल्डिंग की बात बुकिंग की, तो वो बुकिंग के अंदर मामला है, जो भी लाख 2 लाख जो भी दी होगी वो बुकिंग में, और बिल्डिंग भी मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ प्लिंथ निकाला, कॉलम खड़े किया, स्लैब डाल रहा था, उस टाइम पे इन लोगों ने मेरे को मेंटली टॉर्चर किए, इस बात का पूरा इलाका गवाह है कि मैंने उस काम को नहीं अंजाम दिया। तूने दी ना, सलीम ने मुमरा पुलिस चौकी में, शिंदे साहब थे, उन्होंने लिख के राइटिंग में दिए थे कि ये जावेद की साइट है, जावेद को ही देना चाहिए, और नहीं अगर देते हैं तो जावेद का जो प्लिंथ पे पैसा लगा है 32,80,000 रुपया, तो उसको उसके एवज में 32,80,000 रुपया दे दे। तो मेरे को ना एक रुपया मिला तो ना कुछ है ना सब है। हाँ तो वो मैं बोला ना कि मेरे को टाइम चाहिए, ठीक है। तो वो अभी कैसा हो रहा है कि उन्होंने आपके सास ससुर को घर में ताला मार दिया है, हाँ। उनका कहना है कि हमें 7.5 लाख रुपया आप अभी दे दो, अभी हम रूम जो है आपके हवाले कर देंगे। तो उनका डॉक्यूमेंट्स तो मांगो कि मैंने ये रूम पे मैंने पैसा, उनका कहना है कि कोई ऐसा लिखा पढ़ी नहीं हुआ था। नहीं तो हुआ ही नहीं है ना, लिखा पढ़ी नहीं हुआ था, सिर्फ पैसे बोला गया, मैंने बोल के मेरे ताबे में दिया गया था। तो मैंने सिर्फ है ना आपको एक हेल्प के कॉर्पोरेट के तौर पे मैंने वो रूम दिया था, क्या अपना बोरिया बिस्तरा लेके अपने बाल बच्चों को लेके रोड पे कहाँ रहेंगे। तो फिर आखिर इतना आपने भाड़ा भी दिया था अपने सास ससुर को, दो नहीं, मेरे सास ससुर को क्यों दिया था, हाँ मैंने क्यों दिया था, मैंने कितने दिन भाड़ा दिए थे, कुछ 11 या 12 महीना कुछ दिया, उसका स्टेटमेंट है बैंक का। ये रास्ता बना रहा था, रास्ता बनाने के लिए मैंने मेरे ससुरे का घर और उसके सामने का घर, ये दो घर लिया था कि ये दोनों घर डेमोलेशन करूँगा, गेट लगाऊंगा और बिल्डिंग के लिए रास्ता बनाऊंगा, बस उसके लिए वो घर लिया था। तो इसने बोली कि अभी बरसात आने वाली है, मेरे घर में पानी भरता है, ये वाइशर वाली है, मेरे घर में पानी भरता है, तो
तो जावेद भाई पहले मेरा घर का काम करो। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, तुम अपना घर खाली करो, इसमें सामान रखो और इसमें खाओ पियो जब तक मैं तुम्हारा घर बनाता हूँ। और उसका घर मैंने बना के दे चुका हूँ। इसके मेरे पास में जितने लेबर, अगर आपने दिया था घर जो 11 महीने अपने सास ससुर को भाड़ा दिए, फिर अगर जब वो रूम खाली किए तो आप लोगों को उस घर में फिर आना चाहिए ना। हाँ, आज 10 साल 8 साल 9 साल जो भी गुजर गया, अब आप लोग कल आए हैं। हालांकि अब जो आपके सास ससुर है उनका कहना है कि अब पूरा पेपर उनके पास है, लेकिन इतने साल आप लोग चुप क्यों रहे? मैं नहीं चुपता, मेरे हालत खराब थे। मैंने मेरे ससुर को बोला था कि तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे हूँ, जो भी सपोर्ट लगेगा। क्यों नहीं आ रहे थे वो, क्या वजह थी? क्या मालूम, अब वो मैं उनके दिल का राज नहीं जानता। बाकी अभी ये कल रात में जब मसला उठा ना, तो मेरे को बोले तुम्हारी ज़रूरत है, तो मैं आके हाजिर हो गया। हुआ क्या नहीं बबलू भाई, मैं किसी के साथ गलत नहीं। क्या 7.5 लाख रुपये आपका देना नहीं, है उनको या 32,80,000 का हिसाब करो। पेपर आएगा तेरे पास? हाँ सब, हाँ तो पेपर लेके दिखा। 32,80,000 का हिसाब करो, 7.5 लाख की बात आ रही ना। तो जब मैंने ये बिल्डिंग का काम लिया, आपसे मैंने बुकिंग लिया, आपने मेरे को बुकिंग दी, अब मैं बिल्डिंग बना दिया, तो जाहिर सी बात है मेरे को आपको रूम देना है। अगर मैंने नहीं किया, इन्होंने किए काम, तो इनका काम है आपको रूम देना। तो रुबीना के जब बोल रही है 7.5 लाख का दावा कर रही, तो उसका काम क्या है कि तू पहले अपने रिश्तेदार को दे। तो क्यों नहीं दी? लैंडलॉर्ड की NOC भी नहीं है उसके पास, लैंडलॉर्ड भी आएगा अभी लॉकडाउन की वजह से, गांव में है दुबे, वो भी आएगा। वो बोलता है मेरे को एनी टाइम बुलाओ, लेकिन अभी वो इधर इस वक्त मौजूद नहीं है, नहीं तो वो भी आ जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में घर में बंद परिवार वालों ने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। ताला खुलवाने के लिए रुबीना खान को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल कर रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टीवी।